हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर करने वाले हैं 5, जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी एसएसटी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग ये वर्कशीट अपनी हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, और आपका यहाँ पे सभी लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम, और आपकी 4 अगस्त की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं इसको देखो, इन्वायरमेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ, देखो जो लिखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखोगे, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग दिस टेबल। ठीक है, आप लोग इसके क्वेश्चन कर करके ही पूरी वर्कशीट सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखेंगे। देखो ये कह रहा है थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया टीवी और एक टेबल लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे ही करके। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे पहले 1 करके, 1 के नीचे ये लिख लीजिए। ऐसे ही आप 2 करके लिखेंगे, थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। ठीक है, आप लिख सकते हो क्या, पैट। ठीक है, पैट होते हैं आसपास में, और आपको क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड का हो गया। ऐसे थर्ड आप लिखोगे, थिंग्स अवेलेबल इन द स्कूल, तो क्या लिख सकते हो, तो बेंच होती है। ठीक है, बेंच आप ब्लैक बोर्ड लिख लीजिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो नीचे मेन चीज़ दी गई है कि बायोटिक अबायोटिक के बारे में। ठीक है, बायोटिक वो चीज़ होती है जिससे जो लिविंग होती है, मतलब जिसके अंदर जो लिविंग है, जैसे आपने देखा हो प्लांट और एनिमल। ठीक है, एबायोटिक वो होती हैं जैसे नॉन लिविंग है, जैसे मान लो टेबल हो गई आपके आसपास। ठीक है, कोई फोन हो गया, ठीक है, तो जिसके अंदर मतलब लिविंग नहीं होती, जैसे टेबल वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एबायोटिक चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपका लिविंग चीज नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखिए, द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर आर द सराउंडिंग आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसी में वही बताया बायोटिक अबायोटिक के बारे में। देखो इसका नेचुरल एनवायरनमेंट का बनाया, लिटोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो इन सब के बारे में बताया गया है नीचे, इसके 4 डिफाइन किए गए। तो इसमें सिर्फ लिथोस्फेयर के बारे में बताया गया, और बाकी आपको अदर वर्कशीट में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे सॉलिड और हार्ड लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जो किससे बनी होती है, रॉक्स। और ठीक है, कवर किससे होती है, थिन लेयर से। एक तो कवर होती है, खुद एक बहुत हार्ड लेयर है। ठीक है, और रॉक्स से बनी होती है। ठीक है, रॉक्स और मिलने से वो बनती है लिथोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ इरेगुलर सरफेस, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर मैनर में वेरियस लैंडफॉर्म्स सजेस्ट माउंटेन। ठीक है, जैसे आपने माउंटेन्स देखा हो, प्लेटेनियस देखा हो, प्लेन्स देखा हो, वैलीज देखी हो। ठीक है, तो ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। देखो एक तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक मैंने ऊपर करा दिया, अब नीचे इसके और क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कहा गया है मेंशन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक इन योर वर्ड्स। ठीक है, तो दोनों के मैं आपको आंसर करवाने जाऊंगा। ठीक है, देखो इसका तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो बायोटिक रिसोर्सेज का, जैसे आप लिख दो प्लांट, एक नंबर पे प्लांट। ठीक है, साथ में आप एनिमल्स भी लिख सकते हो, एंड एनिमल्स। ठीक है, ये आपका हो गया। सेकंड वाले में दिया है डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड्स। क्या क्या है गया इसमें, डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो आप देखो कहाँ से लिख लेंगे आप लोग, मैं आपको बताता हूँ आपको कितना लिखना है, बहुत ही छोटा सा लिखना है, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा ही पूछा ओन वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिखोगे। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस। ठीक है बच्चों, कितना आपको लिखना है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं मैं अपने चैनल पे गेम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मैं किसी भी वर्कशीट में, जैसे 7th क्लास की किसी भी वर्कशीट में मैं उस क्वेश्चन को पूछ सकता हूँ, जिससे आप लोग आंसर दोगे और उसमें प्राइज जीत सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चा वीडियोज़ को पूरी देखेगा, मेरी सारी आने वाली इस हफ्ते की जितनी भी वीडियो हैं सारी बच्चे अगर पूरी देखा तो डेफिनेटली वो उस क्वेश्चन का आंसर बता देगा, और मंडे को उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि कौन सा बच्चा उसमें विनर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।